हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल। आज हम सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत ही खास वजह है कि अब हम कह सकते हैं कि चीता हमारे देश में जिंदा है, चीता इंडिया में जिंदा है। चीता का बचना, किसी भी एनिमल का बचना, ट्रीज और प्लांट्स का बचना, इकोसिस्टम को बैलेंस करना, एनवायरनमेंट को बैलेंस करना आज की तारीख की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के तहत हमने इस बात को आगे बढ़ाया और हम हमारे देश में फिर एक बार 8 चीतास को लाने में कामयाब हो गए। कार्निवरस प्राणियों की प्रजाति अगर लुप्त हो जाती है तो हर्बीवरस प्राणियों की संख्या बढ़ जाएगी और उनकी वेजिटेशन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और इस वेजिटेशन को अगर जंगल में पूरी तरीके से ठीक से नहीं रखा जाता है तो ये जंगल के जो प्राणी हैं, जो हर्बीवरस प्राणी हैं, वो खेतों खलियानों में चले जाएंगे और उन्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। इस के लिए हमें चीतास को फिर एक बार हमारे देश में लाना पड़ा, इस सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम क्यों चीतास को हमारे देश में लाना चाहते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में 1947 में चीता के बच्चे को मार गिराया और 1952 में हमें आधिकारिक तौर पर इस बात को डिक्लेयर करना पड़ा कि हमारे देश से चीता ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। ये बहुत ही बड़े अफसोस की बात थी और इस अफसोस को निपटाने के लिए, इस अफसोस से बाहर निकलने के लिए तभी हमने ठान लिया था कि हम चीता की प्रजाति को फिर एक बार हमारे देश में लेकर आएंगे। और 1952 से 2022 तक हमें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इस लंबे इंतज़ार में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 में प्रोजेक्ट चीता के नाम पर मुहर लगा दी और गवर्नमेंट को अप्रूव कर दिया कि अब आप प्रोजेक्ट चीता पर काम कर सकते हो। और इस प्रोजेक्ट चीता के चलते ही जुलाई 2020 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने बनाया रिपब्लिक ऑफ नामीबिया के साथ, एक एमओयू बनाया गया। और इस एमओयू के तहत नामीबिया सरकार ने हमें वादा किया कि हम आपको कुछ चीताज डोनेट करेंगे। नवंबर 21 में ही चीताज लाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी लेकिन पैंडमिक कोरोना की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए और ये मुहिम फिर एक बार रुक गई। और 2022 में कल हमने इस मुहिम को अंजाम दिया। इसके लिए हमने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि चीताज अब हमारे देश में फिर एक बार आ गए हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि कुनो, एमपी के कुनो को ही क्यों चुना गया। इसकी चार वजह है। पहली वजह यह है कि एमपी के कुनो में गुड प्रे है, चिंकारा की, ब्लैक बक की और स्पॉटेड डियर की बहुत ही अच्छी पॉपुलेशन है जो चीतास के लिए, उनके रहने के लिए, उनके शिकार के लिए बहुत ही ज़रूरी काम करती हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ बिग कैट्स को डेवलप करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनके रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ कुनो में मुहैया की गई है, डेवलप की गई है। तीसरी बात यह है कि अच्छा ट्रेंड स्टाफ है कुनो में। और चौथी इम्पॉर्टेंट बात कि बिग प्रेडेटर्स जो कुनो में थे वो अब कहीं और मूव हो गए हैं। इन चार रीजंस के तहत हमने देखा कि कुनो का चुनाव हुआ है इन 8 चीतास को रखने के लिए। और दूसरी बात ये भी हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि चीता का ही सिलेक्शन क्यों किया गया। चीता ये वाइल्ड लाइफ सस्टेनेबिलिटी में बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसकी चार वजह हैं। पहली वजह तो ये कि चीता की जो हेल्थ है वो बहुत ही खास है, अक्लमेटाइजेशन के लिए उसे बहुत ही खास माना जाता है। दूसरी बात ये कि उसका जो वाइल्ड डिस्पोजिशन है, वो वाइल्ड डिस्पोजिशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि हमने चीता का सिलेक्शन क्यों किया। तीसरी बहुत ही आम बात है जो हम जानते हैं कि चीता का हंटिंग स्किल बहुत ही खास माना जाता है। और जहाँ तक कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स का सवाल है, जेनेटिक में कंट्रीब्यूशन करने का सवाल है, चीता इसमें बहुत ही अहम रोल निभाता है। इन बातों के चलते तहत चीता का सिलेक्शन किया गया, इन बातों के चलते तहत कुनो का सिलेक्शन किया गया। और ना कि सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की बात है, यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी की भी बात है कि भारत देश ने हमेशा
एक स्पिरिचुअलिटी में बिलीव किया जिसमें भूत दया का हमेशा जिक्र होता है। हमारी सभी धार्मिक किताबों में भूत दया का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इस विश्व में जीने वाले हर प्राणी को भी अपने अधिकार से जीने का हक है, और इसीलिए चीतास को हम फिर एक बार इंडिया में लेकर आए हैं। ये बहुत ही खास और अच्छी बात है। चीतास को लाते वक्त 9000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको पार करना पड़ा, उन्हें फास्टिंग के तौर पर लाना पड़ा, मीन्स भूखा लाना पड़ा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, पोस्ट ट्रैवल क्वारंटाइन इसलिए किया गया है ताकि फौरन वो अक्लमटाइज शायद ना कर पाए, तो उन्हें धीरे धीरे अक्लमटाइजेशन की तरफ लेकर जाने के लिए क्वारंटाइन रखा गया है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।